हेलो मिर्जापुर, कैसे हैं आप सब? और वेलकम टू द सीरीज ऑफ स्वाति मिर्जापुर। तो आज हम खड़े हैं डंकीगंज चौराहे पे और आज हम आपको लेके चलते हैं मिर्जापुर के सबसे पुराने चाय की दुकान पे, मुन्नू चाय वाले दुकान पे। और इनकी चाय मिर्जापुर में काफी फेमस है। चाय के साथ साथ इनका ब्रेड बन दोनों ही काफी फेमस है। चलिए चाय बन सबको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। अभी तो हमारी चाय पक रही है, तो चलिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इनके ओनर से। हेलो सर। कहिए सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम सोनू है। और सर, आपकी दुकान कितनी पुरानी है? जब से हम लोग पैदा नहीं हुए तब से है। अच्छा, तो आपका टाइमिंग आप बताना चाहेंगे सबको? सुबह 6:30 से शाम 6:30। हम यूपी वाले हैं जनाब, हमारी सुबह तब तक नहीं होती जब तक हमारे हाथ में चाय का कप नहीं आ जाता। तो चलिए सर, इसको टेस्ट करते हैं, हम बताते हैं। चाय तो काफी अच्छी है। आप ये देख सकते हैं हमारे साथ ब्रेड मक्खन भी आ चुका है। तो चलिए ब्रेड मक्खन के साथ चाय को एंजॉय करते हैं, फिर आपको बताते हैं। और चाय ब्रेड तो ऐसे ही खाने में ज्यादा मजा आता है। इनकी चाय काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा मतलब एकदम कड़क चाय बनी हुई है। और ब्रेड की मैं बात कर रहा हूँ तो ब्रेड एकदम खर एकदम क्रिस्पी हुई है। तो आप भी जरूर आइए यहाँ पे। और मिर्जापुर में रह के अगर यहाँ मुन्नू चाय वाले के चाय और ब्रेड नहीं खाए तो फिर क्या ही खाया भाई। चलिए यहाँ पे एक कस्टमर बैठे हुए हैं, चलिए अब थोड़ा इनसे बातें कर लेते हैं। तो हेलो सर, सर आप कब से यहाँ आ रहे हैं? हम लोग बहुत छोटे से यहाँ पे आ रहे हैं और पापा के साथ आए, कर सकते दादाजी के साथ। ये बहुत ही पुरानी दुकान है और यहाँ पे कंप्लीट सुपर सुबह का ब्रेकफास्ट मिल जाता है। ओवरऑल स्नैक्स है, मीठा है, ब्रेड है, बटर है, बन है, सब कुछ मिलता है। और बहुत ही पुराना टेस्ट है जो कि बहुत बचपन से लेकर अभी तक सेम टेस्ट है, कोई बदलाव नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि स्वादे मिर्जापुर के सीरीज का नेक्स्ट ब्लॉग हम कहाँ जाके बनाएं। तो कमेंट में जरूर बताएंगे अपना फेवरेट प्लेस और हमें ऐसे प्यार दिखाते रहिए। इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए और तब तक के लिए बाय, टाटा।